Hello, assalamualaikum. Another week, another vlog. I almost said something else. But ये vlog abruptly शुरू होता है बहुत पहले का है. This is before Eid. तो I am here और मैं इसलिए ये intro film कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ. Okay, so this vlog starts before Eid. और फिर हम बीच में trip पर चले गए थे जिसकी videos आपने देख ली होंगी. And उसके बाद मैंने फिर से इस vlog को continue किया है coming back home. So enjoy this vlog. Don't get confused. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आई नो मैंने एक हफ्ते का व्लॉगिंग ब्रेक लिया था बिकॉज आई नीडेड दैट ब्रेक. और आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ फ्रॉम माई पेरेंट्स प्लेस. एज यू कैन सी, ओ माई गॉड द व्यू. ओ जी व्यू, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आज जो है बहुत गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है क्योंकि जो आसमान है वो कम्प्लीटली डार्क है, ग्रे है. एंड कबूतर बैठे हैं और सारी चिड़ियाँ वगैरह सब बैठे हुए हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि बारिश होने वाली है. सो एंड ऑल्सो मुझे थंडर की भी आवाज़ आ रही है तो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड. आई हैवंट बीन इन दिस हाउस जब बारिश हुई है तो इट्स गोना बी फन टू सी रेन इन दिस हाउस. लेकिन ब्रश्ड माई हेयर, ब्रश्ड माई टीथ. अब मैं जा रही हूँ नीचे और थोड़ी चिलिंग करेंगे. लेट्स गो. बारिश अच्छी है. वो किधर है? ये देखे अनुषी भी आई है. ये गाड़ी के नीचे. हेलो, आई हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम अ वेरी नाइस नैप. और मैंने सुबह से सिर्फ चिल किया है. डन नथिंग. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एट होम ऑन अ संडे. ऑन अ संडे. और अभी हम बना रहे हैं एट द मोमेंट मैगी. एंड वी हैव अ व्यूअर. लेट मी शो यू आवर बिगेस्ट फैन. हेलो. ओह बेबी, सो क्यूट. गाइस ये हमेशा यहाँ बैठते हैं जब हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं. दे ऑलवेज गिव अस कंपनी. सो स्वीट, सो क्यूट. एंड बफ इज आल्सो हियर. शी इज कम अ लॉन्ग वे. Just came from the lounge. I literally wanted to get a haircut today, मगर बारिश हो गई और प्लान खराब हो गया. But I heard के August 16 से रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं for dine-in. Yes. Yay. Yes. I'm not sure. मैंने ये न्यूज़ कहीं पढ़ी थी. So let's see क्या होता है. ये वाली मैगी बना रहे हैं. ये actually हमारे मामू लाए थे from the US when they came. गार्लिक पाउडर और पपरिका ऐड किया है. एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन अपडेट व्हाट्स हैपनिंग. मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अर्थ रूल देख रहे हैं. वो अर्थ रूल की आई थिंक एक दिन में 10-15 एपिसोड्स देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे. और जो एक चीज़ उन्होंने अर्थ रूल की सीखी है वो है लाकिन. और जिस तरह से अर्थ पे बोलते हैं इंशाल्लाह. सो दैट इज़ व्हाट दे हैव लर्न. बट वो काफ़ी आगे पहुँच गए. हमने उनसे पहले शुरू किया था मगर उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है. वो जिस स्पीड से जा रहे हैं ना, आई थिंक वो ईद से पहले ख़त्म कर लेंगे. एंड माई मैगी इज करंटली कुकिंग. आई थिंक ये मैगी नहीं है. आई एम कॉलिंग इट मैगी. व्हाट इज इट एक्चुअली. दीज आर मर्च मरूचन रामेन नूडल सूप चिकन फ्लेवर. सो लेट्स कुक इट. गॉट टू मेंशन दैट बब्स गॉट अ हेयर कट. Yep. How cool is that? Yay. Let me see from the back. It's so short and nice. Tamam. And I did Bubs' makeup. Bubs, you want to close your eyes and show? Lovely. होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रातों रात पैसा, शोहरत और फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं. So for those of you who don't know, I was actually interviewed by Aaj TV for Voice of America, and this is behind the scenes for that. Guys, look.
We have a friend. ये क्या था? Guys, look at this bakra. This is a very Quran bakra, by the way. ये चलता नहीं है. Guys, look at the size of this cow. And that one. Oh my god. Like, just to give you a perspective. इतने बड़े हैं. और इसके बराबर में ये छोटू. Hi, living the life. My heart is a wall with my thoughts. Oh, and I don't know which side is better. I try to connect all the dots. Oh, to let you in behind. Hello, and welcome back. No wait. Another week, another vlog. ये हमेशा होता है जब मैं बहुत टाइम के बाद vlog करती हूँ. I think मैंने कोई डेढ़ हफ्ते का vlogging break लिया था and I really needed that because बहुत सी repetitive चीज़ें हो रही थी and I wanted to like, you know, regain my motivation. जब भी मैं थोड़ा सा कम active हूँ YouTube पे, so sorry about that, but I am back. आज है ईद, तो ईद मुबारक सबको. और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी अभी उठी हूँ. दिन शुरू करते हैं. इस दफ़ा कुर्बानी जो है हमारी मस्जिद में है, तो और पहले दिन नहीं है, सेकेंड डे. बट आज के प्लान्स ये हैं कि वी आर गोना गेट रेडी. फर्स्टली वी आर गोना गो विजिट नुमान्स नानी, देन वी आर गोना विजिट माय पेरेंट्स. तो ये प्लान है. और सुबह में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड टू वैक्स, तो आई एम गोना टेक द वैक्स आउट दैट आई गॉट लास्ट टाइम, जो मुझे भेजी थी ग्लो बैंक ने, तो वो हम यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसी है. यह है इसके ऊपर कि आई एम सपोज टू ओपन दिस एंड कीप इट इनसाइड अ वैक्स हीटर. दिस इज माय हीटर. और वैक्स को मैंने खोल दिया है. आई एम जस्ट गोना प्लग दिस एंड वी हैव नॉब है, कितना हाई करना है. एंड बेसिकली जब भी थोड़ी सी लाइक बिल्कुल जमी हुई है ना, लाइक लिक्विडी कंसिस्टेंसी की आ जाए, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये है. और जो कपड़े मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी पुरानी जींस के मैंने रिसेंटली काटे थे. एंड आई ओनली नीड टू डू माई हैंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. मैं उन्हें लेजर करवाया हुआ, सो आई जस्ट नीड टू डू माई हैंड्स. एंड आई थिंक ये स्ट्रिप्स विल बी मोर देन इनफ फॉर द हैंड्स. लेट्स वेट फॉर दिस टू नाइट. यू एन ऑन अ लिटिल सीक्रेट. वो ये है कि हम ईद के सेकेंड डे जा रहे हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान. सो आई एम जस्ट गोना पैक फॉर दैट बिकॉज जब तक मेरी वैक्स गर्म हो रही है, जो कि अभी थोड़ा टाइम ले रही है गर्म होने में, एज यू कैन सी आई एम गोना बी पैकिंग फॉर द ट्रिप. तो व्हाट आई हैव डन सो फार इज़ मैंने फेस वाइप्स निकाल दिए हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के, क्लेंजिंग सिस्टम, एंड देन वी हैव अ डव फेस वॉश, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था ये छोटा सा साइज में. सो आई एम कीपिंग दैट. एंड देन आई थिंक आई एम ऑल्सो गोना कीप my makeup. So let me decide what I want to keep and then I'll show you. Order to melt a bit. Maine ek patch lagaya hai. I'm just gonna see if this works. Patch test successful. Ab isko istemal karna shuru karenge. बट लाइक इट इज नॉट वर्किंग. ऐसे निकल आता है, बट वन आई डू इट विद द थ्रेड आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस इज हैपनिंग. इफ यू गाइस नो, लेट मी नो, बिकॉज दिस इज सच अ फेल फॉर मी. ये वाला हाथ हो गया, बट दिस वन. एंड यू कैन क्विश दिस फायर. नो नो, सो गिव मी व्हेन आई वांट इट बेबी, cuz आई नो व्हाट यू नीड. Given to me, given to me, oh, given.
वैक्स वैक्स जो है वो मुझसे सही से आई थिंक मैंने इस्तेमाल नहीं की क्योंकि अभी भी छोटी छोटी सी वैक्स के लाइक पीसेज मेरे हाथ पे हैं एंड ऑब्वियसली इट डिड नॉट वैक्स दैट ग्रेट. ये वाला हाथ फिर सही से हो गया है, ये वाला जो है वो इतना सही से नहीं हुआ. बट नाउ आई एम गोना डू माई मेकअप एंड वंस आई एम डन आई विल टॉक टू यू देन. एक और चीज़ मुझे आप लोगों को जिसकी अपडेट देनी थी वो ये थी कि एक मैंने नया टर्किश शो देखना शुरू किया. एक्चुअली दो नए शोज देखना शुरू किए, एक है बे यानलिश विच इज़ मिस्टर रॉन्ग और एक है एलमी ब्रकमा जस्ट डोंट लेट गो. रियली गुड शोज बोथ ऑफ देम. बे यानलिश इज़ लाइक अ कॉमेडी तो वो बहुत लाइट हार्टेड सा शो है, उसमें कुछ लाइक सीरियस ऐसा कुछ नहीं है. बट एलमी ब्रकमा इज़ लाइक अ रोमांटिक ड्रामा. तो दोनों बहुत अच्छे हैं. बे यानलिश अभी एयर हो रहा है तो उसकी सारी एपिसोड्स आई नहीं है, मगर एलमी ब्रकमा की सारी एपिसोड्स हैं. और आई वॉच इट बाय गूगलिंग एलमी ब्रकमा एपिसोड नंबर इंग्लिश सब टाइटल्स. और फिर बहुत सारी मुख्तलिफ साइट्स आती हैं, यू कैन ट्राई अ फ्यू साइट्स. आई थिंक टर्क 123 करके कोई साइट है जहाँ मैं देखता हूँ, नॉट श्योर. तैयार हो चुके हैं, हम जा रहे हैं टू मीट माई पेरेंट्स. आज बहुत गर्मी है, जस्ट बाय द वे ईद के दिन हमेशा गर्मी होती है एक्सेप्ट फॉर लास्ट बहुत बारिश थी, मगर आई थिंक फिर गर्मी हो गई थी. या गर्मी हो गई थी, बहुत गर्मी होती है हमेशा हर ईद. तो निमान मैंने ये भी ऐसे बांधी बिकॉज आई हैव टू डू बब्स मेकअप बट आई शो यू प्रॉपरली एंड माई सॉक गर्ल्स. Hello, assalamu alaikum, welcome back to another vlog. Wait, another week, another vlog. और आज है 14th August, so happy Independence Day to all of you guys. Happy Independence Day, बहुत लंबा हो गया. But I absolutely love waking up on 14th August and turning on the TV to see कि क्या shows आ रहे हैं, क्या गाने बज रहे हैं, you know, like मिली नगमे जो होते हैं. I really like watching them on 14th August because बचपन से अब तक शादी से पहले तक वी ऑलवेज हैड दोज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड घर पे. और यूजुअली मेरे भाई तैमूर की बर्थडे होती है सो इट्स लाइक अ वेरी फेस्टिव डेट फॉर अस. ये क्या लगा है, गाने नहीं आ रहे कहीं से. आई डू मिस द सॉन्ग्स, आई वांट टू सी द सॉन्ग्स. So, this is what we're currently watching. We're trying to find some songs. Also, मैं edit कर रही हूँ अपना vlog. Oh, ये आगे गाने. But यहाँ मेरे laptop की जगह खत्म हो गई, so I'm trying to upload stuff on YouTube so I can up like edit my videos. So today is 14th August and we have a small gathering in our house. तो इसके लिए we're just going, getting ourselves sorted. I really want to get like a blow dry done. Norm's going for his haircut. Finally, चीज़ें खुली हैं, lockdown खुला है. But that doesn't mean कि corona virus खत्म हुआ है. We have our masks, we have our sanitizers, and also a belt we लगा रहे हैं, which I forgot. सारे हिफाजती बांध लें. And yeah, I'm excited to get my hair done. I'm gonna get them done after so long. Actually, no, wait, not so long. मैंने भी अपने बालों में वो कराई थी, toning कराई थी. So it's all cool. Also, today is Taimur's birthday, and I will get to see him today. So we'll wish him then. So
So this was the party that I got ready for, and as you can see, humidity has completely ruined my hair. But this is my outfit. ये है गुलबहार की तरफ से this two piece दुपट्टा, और दूसरी जगह से है can't remember the name of it, I'll tag it. But बाल पूरे खुल चुके हैं, पसीने में शराब और look at the frizz. And I am drenched in sweat. अब खैर काफ़ी मेहमान चले गए, I'm just gonna take my heels off and chill for a bit because my God, do I need to. तो आज है Saturday and it's a very busy weekend. मैंने अपना second vlog जो है trip का edit कर लिया है, hopefully that will go up and you might have seen that vlog अगर आप ये vlog देख रहे हैं. Also today I have to shoot for a campaign, so अभी मैं उसके लिए कपड़े इस्त्री कर रही हूँ. एंड ऑल्सो आई नीड टू गो विजिट अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ हेयर फ्रॉम द यू के. शी हैज़ बिन लाइक अ रियली रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल थ्रू आउट स्कूल. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर आफ्टर सो मेनी ईयर्स. आई एम एक्साइटेड, सो आई एम जस्ट गोना गेट रेडी. लाइक उसके लिए ही हम पिक्चर भी ले लेंगे. एंड मैंने अभी बहुत सारा लाइक फेस ऑयल अपने फेस पे लगाया बिकॉज आई थॉट माई स्किन वॉज बीइंग रियली ड्राई. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ नाइस शावर एंड देन वी आर गोना गेट रेडी. I'm ready. This is my final look. मैंने पहले कपड़े इस्त्री किए थे, आई रिजेक्टेड दोज. आई डिसाइडेड टू वेयर दीज. ये मैंने एथनिक से खरीदे, दिस वॉज लाइक अ मैचिंग सेपरेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ये मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज पर देखे थे एंड आई लव देम. सो दिस टॉप इज फ्रॉम एथनिक एंड दिस पैंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम एथनिक. एंड आई हैव जस्ट एक्सेसराइज दीज. आई एक्चुअली लव दीज इयर रिंग्स, मुझे पता भी नहीं था मेरे पास हैं, बट दे गो सो वेल विद दिस. एंड आई हैव जस्ट बिन वेयरिंग दीज रिंग्स विच आई गॉट फ्रॉम ऑटोमन ज्वेल्स. These ones are so nice. I love them. And yeah, let's go. Gnomes, are you ready to film the campaign? This campaign also involves gnomes, so we have to make him dress up and everything. I'm all dressed. Not gonna dress up. Okay, let's go. Guys, I just came after meeting my friend. जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर सकी बिकॉज आई वॉज सो बिजी. मैं 4 साल बाद उससे मिल रही थी एंड ऑब्वियसली इतनी सारी बातें हुई एंड योर फैमिली, सो आई कुड व्लॉग एनी थिंग एंड आई फील सो गटेड. आई विश मैंने थोड़ा सा ही व्लॉग किया था, ये एक पिक्चर ही ले ली होती, मैंने एक पिक्चर भी नहीं ली. सो दैट्स द अपडेट. अब हम आए हैं यहाँ से आइसक्रीम खा रहे हैं. आई एम सो टायर्ड, मेरी अभी तक ट्रिप की थकन नहीं उतरी है, मेरी आईज लिटरली बंद हो रही हैं. But I am definitely in the mood for ice cream. So yeah, we're having that and I'm gonna go home and relax. Hello, assalamu alaikum. So it's been a while since we last spoke, but seeing ye hai ki today is Tuesday aur pehla hafta hai after coming back from the trip, so it's a very 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 hectic. आज मैं बस चाय बना रही हूँ शाम की. आई एम जस्ट गोना गो अप. आई नीड टू गेट अ कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम द स्टोर. आई नीड अ बॉडी वॉश, आई नीड अ फेस वॉश, आई नीड सो मेनी थिंग्स. सॉरी अंधेरा हो गया है. आई एम जस्ट गोइंग अपस्टेयर्स. बाय द वे, वी हैव सो मच लॉन्ड्री, लाइक लुक एट दैट क्रेजी लॉन्ड्री. नोम्स इज स्टिल वेरी मच वर्किंग. चाय, बाय द वे, आई यूज्ड टू मेक रियली बैड चाय. And Numan used to hate the chai that I made, but I think I've gotten better at making chai. Taste test. Do you want me to stink and smell bad? Do you stink right now? Yeah, I need a body wash. Guys, I just filmed a campaign, like a story campaign for कैल्शियम, लाइक कैल्सी की जो टैबलेट्स हैं उनके लिए. एंड मैंने बस लाइक ये कपड़े पहन दिए क्योंकि ये इस्त्री हुए हुए रखे हुए थे. दिस टॉप इज़ फ्रॉम खाड़ी. आई मेंशन इट माई खाड़ी हॉल, द वीडियो दैट आई वर्क विद वर्क ऑन विद खाड़ी. और ये जो पैंट्स हैं ये हैं एथनिक. आई लव दीज पैंट्स. ये मैं लिटरली हर आउटफिट के साथ घुसाने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड एन आउटफिट जिसके साथ ये परफेक्टली जाए. लाइक इसके साथ भी ये काम चलाओ वाला काम कर रही हैं, दे नॉट लाइक गोइंग परफेक्टली. But I must find find a top which goes with this. So yeah, and shopping is done. This is all the stuff that we got. Let me show you. So I got a shampoo. Finally, I have the gold bottle wala Tresemme. This is the color protect version. And then we got a conditioner.
देन नुमान ने बॉडी वॉश लिया है. दिस इज़ हिज फेवरेट बॉडी वॉश अपेरेंटली. इट स्मेल्स अमेजिंग. और मैंने भी बॉडी वॉश लिया डव. एंड वन मोर बॉडी वॉश. सो आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर टू मंथ्स. Today has just been go, go, go. Basically, I had to film, like, go for a campaign shoot. तो मैंने और नुमान ने जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का काम किया. ऑफिस इज़ प्रीटी हेक्टिक ऑब्वियसली बिकॉज़ वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ ट्रिप. तो बहुत सारा काम जो है वो पाइल हो गया है. एंड व्हेन यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू नो यू आर अ कॉर्पोरेट स्लेव. सो जितना टाइम आपने ऑफ लिया है उतना आपसे वापस भी लेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड टाइम. एट माई आईज दे आर सो रेड. लाइक कुछ हो गया है मेरी आँखों को. आई हैव बिन टेकिंग आई ड्रॉप्स बट इट इज़ स्टिल नॉट सॉर्टेड प्रॉपरली. इट्स प्रॉब्ली द स्ट्रेस एंड अ लॉट ऑफ वर्क. तो आज मैंने सोचा कि इतने सारे जो PR पैकेजेस हैं वो पाइल अप हुए हुए थे जगह जगह कमरे में. सो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक क्लीन. लाइक बेसिकली वॉट आई वॉन्ट माई लाइफ इज़ टू बी क्लीन राइट नाउ. एंड सो आई जस्ट वॉन्ट ओपन दीज पैकेजेज एंड बी डन विद दैम सो दैट देर लाइक क्लीन. सो लेट्स डू दैट. इस पैकेज जो मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ, बाय द वे बहुत गर्मी है. मेरे बाल इतने अभी अच्छे हो रहे थे ना, एंड नाउ द गर्मी हैज़ रूइंड एवरीथिंग. बट वी हैव फर्स्ट पैकेज फ्रॉम ख्वाब क्लोदिंग. और ख्वाब क्लोदिंग ने एक ड्रेस भेजा है विच कम्स इन दिस ब्लैक बॉक्स. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. बहुत खूबसूरत सा अंगरखा स्टाइल है. आई लाइक इट. देन वी हैव मून लाइट ऑफिशियल. दे हैव सेंट अस. ओके आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पैकेज. क्यों? बिकॉज दे हैव सेंट अस रोप लाइट. एंड आई वॉन्ट टू पुट रोप लाइट राइट अंडरनीथ अलमारी. लाइक ये जो जगह है नीचे, I want to put them there. I want to put them underneath the sofa and maybe like all around the bed. I think it would look really nice. उन्होंने काफ़ी सारी रोप लाइट्स भेजी हैं. I'm trying to get this out. We have Sowares by Soha Yasin. And she has also sent me something. This is what it looks like. This two-piece. And it comes with tulip shalwar. Nice. So thank you so much, Sowares. Hopefully you will see these outfits on my Instagram. If I wear them and I click pictures in them, I will definitely tag these small brands and you can also find them out. That was everything. Now I can throw all the trash away, change my clothes and relax. Okay, bye. It's currently 9:44 PM and we're going for dinner. So as I said कि हम जा रहे हैं डिनर पे और हम जा रहे हैं चारकोल. आफ्टर सो लॉन्ग आई थिंक लास्ट टाइम वी वेंट टू चारकोल वाज विद माई पेरेंट्स. आई थिंक फेब में गए थे हम लोग. बहुत टाइम हो गया उस बात को. और हम उस टाइम पे बता रहे थे उनको अपना प्लान कि हम हनीमून पे जाएंगे स्विट्जरलैंड और देखें फिर क्या हुआ. तो फाइनली वी आर गोइंग बैक. एक्चुअली हम दोनों को स्टेक खाने का बहुत दिल चाह रहा था. सो दैट्स व्हाई. और लाइटिंग थोड़ी पुअर है. सो अब व्हेन वी गेट देयर हम वहाँ बात करेंगे. बहुत देख किया हमने. Yeah, finally it's here. Guys, we're done eating. अब हम वापस जा रहे हैं घर. And oh my god, the food was good. But I feel like मैंने अपनी size beef की जो steak की वो थोड़ी छोटी कर दी थी. Did you think that? Maybe slightly. But it was like still very filling. बाकी सारी चीज़ें थी. And now मैंने गलत दिन पे high waisted pants पहन ली. And now like my stomach was so pichkawa uski wajah se, and the steak was like pushing it out, so it was pretty uncomfortable. So I've just sat in the car aur maine apni button khoya jeans ka, and I feel so much better. TMI. But yeah, just the struggles of wearing a high waisted shirt. By the way, kafi like ronak hai do darya pe. Hame itni late ho gaye, 12 baj gaye hain, to literally charcoal to pura khali ho gaya tha. बट मैंने अपना स्टेक बचाया है और वो मैं कल नाश्ते में खाऊंगी. मैंने नुमान को ये बोल रही थी कि लाइक व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लास्ट नाइट और आपने लास्ट नाइट के अच्छी जगह खाना खाया होता है तो एक मोटिवेशन होती है ना सुबह उठ के आप कुछ बहुत मज़े का खाएंगे. आई ऑलवेज यूज टू सेव माई फूड. इफ़ यू सीन माई व्लॉग्स प्रीवियसली यू नो कि मैं हमेशा बचा हुआ चार किलो खाना नेक्स्ट डे खाती थी. सो या डू वांट ऐड एनीथिंग बे एज ऑलवेज. ओके बाय. Keeping the tradition alive, कल रात का चारकोल का बचा हुआ खाना. Yay! Right, so that was the end of this vlog.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू ऑल जिन्होंने बहुत सारा सपोर्ट शो किया मेरी वीडियोज़ पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फॉर द ट्रिप व्लॉग्स. रियली ओवरवेल्म्ड बाय द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अगर आपको पसंद आई हैं ये वीडियोज़ और मेरी वीडियोज़, दैन मेक श्योर यू शेयर योर सब्सक्राइब टू माई चैनल. बिकॉज मुझे ज़्यादातर लोग वो देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. ऐसा क्यों है गाइस? सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री, आई प्रोमिस. And now I will soon see you in my next week's vlog. Bye.